कई बार गुरभागिया इतने गल हो जाता है पुराने गुरसे भी पुराने गुरसे की होंगे भी असी भैन भरा है घर में वड्डा भरा तो छोटा भरा तो हो सकता है तो घर से की कही है पुराना भरा तो नवा भरा यह किधरों गल होगी जब गुरभाई हाँ असी साड़ा रिश्ता गुरभाइया वाला है साढ़े परिवार वो शामिल हो गया गुरभाई बन गया वड्डा वीर करके ना मनो छोटा करके मन लो लेकिन रिश्ता तो गुरभाई वाला हो गया ना गुरभाई का मतलब की होया कि भरा है साढ़ा भावे चार दिन का होया उम्र चार दिन की गिन लो आठ दिन से आठ दिन की गिन लो लेकिन पुराना नवा नहीं होना चाहिए कि मैं गल आना शुरू किया बल्कि परिवार जो नवा जी आता ना तो भैन भरा बाकी जितने होंगे सारे प्यार करते हैं सारे ज्यादा ध्यान करते हैं इसी प्रकार असी भी सारे जरा कोई नवा गुफाई विचार देखो ना आया उन्होंने ज्यादा प्यार दो उन्होंने ज्यादा अपनापन दो ताकि इतने आके महसूस ना हो कि मैं कल आया मैं हफ्ता पहले भजन लेता है या मैं 3 महीने पहले लगे उन्होंने ये लगे कि मैं तो इतने कदों नाल मिले आया लगे ही नहीं उन्होंने ये लगे कि ये मेरे पुराने भैन भरा ने इस तरह का प्यार उन्होंने दे गया क्योंकि एक पिता एक कसके हम मारे क्योंकि प्यो तो साढ़ा एक ही है ना असी सारे बच्चे उसको जब बच्चे उसने हाँ तो फिर साढ़े फर्क भी नहीं आना चाहिए तो फिर सतगुरु ने ठाकुर हरमन सिंह को हुक्म किया कि जाके देखो जो नवा मजिस्ट्रेट आया उन्होंने कहो कि ये बेकसूर है साखी से रामचंद की गल रही है लेकिन हम दूसरी विचार गल आ जाती है कि ठाकुर हरबंस सिंह जो सतगुरु ने क्या भी जाके जरा हाकम नवा आया उन्होंने कहा कि बाइज्जत बरी करा तो उन्होंने गौर नहीं की तो वचन मनना वचन कमाना कि कहते हैं कहने का मजा है कि गल विचकार भी आती है साखी भी इस गल को भी समझना है जी ठाकर साहब जी तो सतगुरु भगवान दास साहब जी के विचार वार्ता हुई कदे उस गल से गौर पता नहीं किसी किया या नहीं किया क्योंकि साखी रामचंद की चल रही है बीमारी की उन्होंने यही वचन कह दी कीर्तन हो जाए साखी हो जाए तो फिर मैं जा उन्होंने कहा जो वचन हुए हैं ये ज्यादा जरूरी नहीं समझे गए कि मालक सानू साड़ा देख देवे तो उस गल को असी सुनी अनसुनी कर दईए तो कही पहले ये काम निपटा लीए फिर जावे तो फिर असी मालक का की कहना मनिया तो कहना थोड़ी मनिया अगर मालक आर्डर करता है हाँ जी तो उसी टाइम तुर पैना चाहिए ये भी आना है कि असी अपने मालक का वचन भी सदा याद रखना है जो सानू वचन किया है मालक ने उसके उत्ते भी किंतु परंतु नहीं आना चाहिए फिर बख्शिश तो हो ही गई तो छुट के भी आ गया तो लेकिन कहने का मतलब है कि अगर एक कड़ी न कड़ी जोड़िए तो इस बहुत गहराई जाइए तो साखी कितने मतलब निकल आते हैं अगर इतनी आराम नाल इन पढ़िया जाए अंदर वसाया जाए तो सिर्फ एक साखी दे गुण लिते जावन तो कितने बताने सानू कि साढ़े गुरभाइया प्यार किस तरह होना चाहिए साढ़े मालक नाल जिहड़ा रिश्ता है वह किस तरह का होना चाहिए वचन भाई जोगे ने मनिया सी दो लावां होईयां सी दो रहनिया सी जवाब आ गया तो छोड़ के चला गया कहता मेरे मालक का हुक्म ऐसी करनी है कितने ना अज अगर याद करने उन्होंने
उन्हें मनिया सारी दुनिया उन्होंने वचना का सत्कार ही कर रही है ना भूमि का। अज इतने 550 साल हो गए गुरु नानक न, उन 550 साल तक उस भूमि भी याद कर रही है दुनिया। ये गल नहीं है कि करनी की सी वचन कमाए मालक ने ते साखियां जड़िया ने जो साढ़े आपस गुरु महाराज के वचन विलास होंगे सर असी अपने मालक के वचन कमाने फिर झोलियां पाना है तो इधरों यही क्योंकि अगों सर्दियों के भी नितनेम चलेंगे साल दो बार कलर होंगे हर डेरे पर कथा चलदिया ने साखियां आदिया ने ते कितनिया वार्ताव आदि ने असी वो जड़े गुण ने सारे अपने जीवन डालने ऐसी बख्शिश अपने मालक को लैनी है रहमत मंगनी है। तो इधर असी आए हाँ साडा आना साढ़े गुरपुरब मनाने आई सकले ने जे असी अपने मालक के वचन अपने हिरदे वसाइए तो अज इधरों प्रण करके जाइए कि गुरु महाराज तनाली पत्रा जी ने भी काम की समूह सात संगत वास्ते अरदास करो कि गुरु महाराज ने फल बख्शे कर लो कि असी उस रात ने चल सकी है क्योंकि पिछली रात सारे ने असी वादा किया ना अपने मालक नाल चलोगे कि जिंदगी कोई माड़ा काम नहीं करांगे तामी अरदास हुई थी तो हम जो घर चाले पड़न लगे तो एक बार फिर अरदास करनी पत्रा जी ने।